Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. ऑन्टेरियो हुकूमत का शदीद मुश्किल हालात में काम करने वाले रजाकारों को अवार्ड देने का फैसला। 6,500 से ज्यादा रजाकारों को अवार्ड दिए जाएंगे। फोर्ड कहते हैं ये रजाकार हमारे मुआशरे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कनेडियन वजीर आजम की भारतीय हम मनसब से गुफ्तगू। मोदी ने कनाडा को वैक्सीन की फरहमी की यकीन दहानी कराई। वैक्सीन तक रसाई पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। कनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे के नतीजे में एक शख्स हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी हुए। हाईवे को 12 घंटों के बाद खोल दिया गया। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,13,982 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 21,004 हो गई। कैलिफोर्निया की ऑयल रिफाइनरी का तेल समंदर में फैल गया। तेल के अखराज पर काबू पा लिया गया है और पानी में तेल के फैलाव को साफ करने का सिलसिला भी जारी है। एक क्लिनिक पर मुसल्ला हमले में 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 67 साल हमलावर ने क्लिनिक पर धावा बोल दिया। हमलावर के कयाम करदा होटल से मशकूक पैकेट बरामद हुए। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 10,78,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। हलाकतें 23,64,881 हो गईं। 7,98,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। ऑस्कर्स की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई। इंतजामिया का कहना है कि ऑस्कर अवार्ड्स तकरीब मुकर्रर वक्त पर मगर वर्चुअल भी होगी। कोरोना वायरस के बायस पहले ये तकरीब 28 फरवरी को होनी थी। नायाब काले हिरन के शिकार का केस, अदालत में जाली हल्फनामा जमा कराने पर सलमान खान ने मुआफी मांग ली। सलमान खान के वकील का कहना था कि 8 अगस्त 2003 को जमा कराया गया हल्फनामा गलती से दिया गया था। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि हम सूबे भर से 6,600 से ज्यादा रजाकारों को पहचान रहे और उनकी खिदमात को सराह रहे हैं, जिन्होंने अपना वक्त बहुत से तरीकों से हमारी जिंदगियों को मुतासर करने वाले असबाब के लिए वक्फ किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो हुकूमत सूबे भर में 27 वर्चुअल वॉलंटियर सर्विस अवार्ड की तकरीबात के जरिए 6,658 रजाकारों की नुमाया शराकत और कोशिशों को तस्लीम कर रही है। इन अवार्ड्स के जरिए इन अफराद की खिदमात को सराहा जाएगा जो कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल समेत शदीद मुश्किल हालात में अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि हम सूबे भर से 6,600 से ज्यादा रजाकारों को पहचान रहे और उनकी खिदमात को सराह रहे हैं, जिन्होंने अपना वक्त बहुत से तरीकों से हमारी जिंदगियों को मुतासिर करने वाले असबाब के लिए वक्फ किया है। मैं उन तमाम रजाकारों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, जो ऑन्टेरियो के लिए हकीकी जज्बे का मुजाहरा करते रहते हैं। कोविड-19 वबाई बीमारी के बावजूद इन मुश्किल वक्तों में उन्होंने अपने मकामी बिरादरियों की मदद करते रहने के तरीके तलाश कर लिए हैं।
कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कैनेडा को वैक्सीन की फरहमी की यकीन दहानी कराई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कैनेडा को वैक्सीन की फरहमी की यकीन दहानी कराई है। कैनेडियन वजीर आजम के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने वैक्सीन की तैयारी और फरहमी को फरोग देने में हिंदुस्तान की नुमाया कोशिशों के बारे में बात की, जिसने दुनिया भर के मुमालिक को अहम मदद फराहम की है। बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने वैक्सीन तक रसाई पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनका मुल्क कैनेडा को मतलूबा कोरोना वैक्सीन की खुराक की फराहमी को महफूज बनाने में मदद के लिए पूरी कोशिश करेगा। मोदी ने ट्वीट में बताया कि उन्हें अपने दोस्त वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का फोन आया है। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कोकाहाला हाईवे पर मुतादिद गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं, जिसके बाद एक शख्स हलाक और 30 से ज्यादा दीगर जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कोकाहाला हाईवे पर मुतादिद गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं, जिसके बाद एक शख्स हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। हादसे के बाद शहर को बंद कर दिया गया, जिसे 12 घंटों के बाद खोल दिया गया। 13 एम्बुलेंस, 3 एयर एम्बुलेंस और मुतादिद मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रांजिट बसें मौके पर पहुंच गईं। 2 अफराद को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, 3 अफराद को एम्बुलेंस के जरिए बेहतर हालत में अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी हेल्थ सर्विस के मुताबिक बकिया मरीजों को, जिन्हें खतरे से 2-4 होने वाले जख्मों का न करना पड़ा था, पैरामेडिक्स के जरिए जाए वकुआ पर उन्हें तिबी इमदाद दी गई। कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइन ने अपने 1500 कारकुनों को आगाह किया है कि वो नई सफरी पाबंदियों और परवास की तलब में ड्रामाई कमी के नतीजे में जल्द ही मुलाजमत से महरूम हो जाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद 8,13,982 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 21,004 हो गईं, जबकि 7,54,736 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 2,72,726 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,112 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,81,566 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,596 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,27,570 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,728 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 71,856 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,269 है। कैनेडा की सबसे बड़ी एयरलाइन ने अपने 1500 कारकुनों को आगाह किया है कि वो नई सफरी पाबंदियों और परवास की तलब में ड्रामाई कमी के नतीजे में जल्द ही मुलाजमत से महरूम हो जाएंगे। कैलिफोर्निया की ऑयल रिफाइनरी का तेल समंदर में फैल गया। तेल के अखराज पर काबू पा लिया गया है और पानी में तेल के फैलाव को साफ करने का सिलसिला भी जारी है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की ऑयल रिफाइनरी से 600 गैलन तेल के अखराज के सबब तेल समंदर में दूर तक फैल गया। रिचमंड ऑयल रिफाइनरी हुकाम के मुताबिक तेल के अखराज पर काबू पा लिया गया है और पानी में तेल के फैलाव को साफ करने का सिलसिला भी जारी है। हुकाम की जानिब से मुतासर इलाकों से आवाम को दूर रहने की हिदायत की गई है। तेल के अखराज की वजह अभी मालूम न हो सकी है। मामले की तहकीकात जारी है। अमरीकी रियासत मिनीसोटा के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर फायरिंग के तबादले में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 4 जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रियासत हाय मुतहदा की रियासत मिनीसोटा के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर फायरिंग के तबादले में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 4 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवर हेल्थ सेंटर पर दी जाने वाली सहूलियात से खुश नहीं था। गोली लगने के बाद 5 जख्मी अफराद को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक शख्स की मौत हो गई। 3 जेरे इलाज हैं, जबकि शख्स को डिस्चार्ज कर दिया गया है। राइट काउंटी के शेरिफ शैन डेरेंगर ने कहा है कि हमले में मुलविस मुश्तबा शख्स की शनाख्त 67 साल ग्रिगोरी अल्वरिज के नाम से हुई है, जिसके माजी में भी मकामी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो चुकी है। हमला आवर जिस होटल में ठहरा हुआ था, वहां से एक मुश्तबा डिवाइस बरामद हुई है, जिसका बम को नाकारा बनाने के माहिर मुआयना कर रहे हैं। हुकाम का कहना है कि क्लिनिक की लॉबी और हमला आवर के क्याम करदा होटल से मशकूक पैकेट बरामद हुए हैं। बरतानिया में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मज़ीद 1,000 से ज़ायद अमवात हुईं। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 13 मिलियन से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 10 करोड़ 78 लाख 51 हजार से बढ़ गई है और 23 लाख 64 हजार 881 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। दुनिया में कोरोना के 7 करोड़ 98 लाख 54 हजार से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2 करोड़ 54 लाख 84 हजार से जायद जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां 4,83,200 अमवात हो चुकी हैं और 2,78,97,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,55,399 और 1,08,71,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। रूस में 40,12,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 78,134 है। बरतानिया में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 1,000 से ज़ायद अमवात हुई। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 13 मिलियन से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। बरतानिया में 39,85,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं और 1,14,851 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 33,85,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं और 80,443 जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में 30,23,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं और 63,704 अमवात हुई हैं। इटली में भी 26,68,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं जबकि 92,338 अफराद हलाक हो चुके हैं। फिल्मी दुनिया के मोतबर तरीन अवार्ड्स ऑस्कर्स की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई। अब ये तकरीब 25 अप्रैल को होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फिल्मी दुनिया के मोतबर तरीन अवार्ड्स ऑस्कर्स की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई। अब ये तकरीब 25 अप्रैल को होगी। फिल्मी दुनिया के सबसे मोतबर फिल्मी अवार्ड ऑस्कर देने वाले इदारे द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस की इंतजामिया ने एक बार फिर अवार्ड्स तकरीब में तब्दीलियां कर दी। ऑस्कर इंतजामिया ने अवार्ड्स तकरीब में मजीद तब्दीलियां करते हुए कहा कि मरकजी तकरीब में न सिर्फ लोग शिरकत करेंगे बल्कि इस बार तकरीब को मुख्तलिफ शहरों से ऑनलाइन भी दिखाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तकरीब में मेहमान शिरकत करेंगे मगर ये मुख्तलिफ मुकामात से बराह रास्त नशर की जाएगी। एकेडमी अवार्ड्स के तर्जुमान ने मजीद तफसीलात जारी नहीं की और न ही अब तक तकरीब के मेजबान के नाम का ऐलान किया गया है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के बायस पहले ये तकरीब 28 फरवरी को होनी थी। राजस्थान में दो नायाब काले हिरणों के शिकार के केस में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान सेशन कोर्ट में बजरिया वीडियो कॉन्फ्रेंस पेश हुए और गैर कानूनी शिकार के मुकदमे में अदालत में जाली हल्फनामा जमा कराने पर माफी मांग ली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में दो नायाब काले हिरणों के शिकार के केस में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान जोधपुर सेशन कोर्ट में बजरिया वीडियो कॉन्फ्रेंस पेश हुए और गैर कानूनी शिकार के मुकदमे में अदालत में जाली हलफनामा जमा करवाने पर माफी मांग ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक सलमान खान ने केस की समाअत के दौरान अदालत में 2003 में गलती से जाली हलफनामा पेश करने पर माजरत की। सलमान खान के वकील का कहना था कि 8 अगस्त 2003 को जमा कराया गया हलफनामा गलती से दिया गया था क्योंकि सलमान भूल चुके थे कि उनके असलहे का लाइसेंस तजदीद के लिए मुतालिका इदारे में गया हुआ है, इसलिए मसरूफियत के बायस हलफनामे में कह दिया कि लाइसेंस तो अदालत में ही गुम गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत की जानिब से हतमी फैसला जारी किया जाएगा। ख्याल रहे कि 1998 में राजस्थान में फिल्म की शूटिंग के दौरान दो काले नायाब हिरणों के शिकार के इल्जाम में सलमान खान को गिरफ्तार किया गया था और इब्तदाई तौर पर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस में 2003 में अदालत ने अदाकार से असलहा लाइसेंस तलब किया था जिस पर उन्होंने हलफनामे में कहा था कि वो उनसे खो गया है। इस सिलसिले में सलमान ने मुंबई के एक थाने में लाइसेंस गुमशुदगी की एफआईआर भी दर्ज कराई थी। 2018 में एक अदालत ने हिरन के गैर कानूनी शिकार के जुर्म में सलमान खान को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी और उन्हें जेल भेज दिया गया था, ताहम वो 2 रातें गुजारने के बाद जमानत पर रिहा हो गए थे। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब।